गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम आपको इकोनॉमिक्स में इकाई 7 में भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष वर्तमान चुनौतियों में वहनीय आर्थिक विकास या धारणीय विकास के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आधारिक संरचना आपको वर्तमान चुनौतियों के अंतर्गत बताया था। आज हम वर्तमान चुनौतियों के अंतर्गत वहनीय आर्थिक विकास बताने जा रहे हैं। वहनीय आर्थिक विकास या धारणीय विकास का अर्थ क्या है? धारणीय विकास एक इस प्रकार का विकास है जो समझौता किए बिना अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। यदि आर्थिक विकास धारणीय है तो प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान प्रयोग हमारे लिए उनके भविष्य में प्रयोग को सीमित नहीं करेगा। इसी प्रकार धारणीय विकास हमें बताता है कि विकास इस तरह होना चाहिए जो हमारी आवश्यकताओं के साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रख सके। धारणीय विकास संसाधनों के प्रयोग का एक स्वरूप है जिसके उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, ताकि न केवल वर्तमान में बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भी इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। धारणीय विकास को अनेक तरीकों से परिभाषित किया गया है, परंतु अधिकतर दी जाने वाली परिभाषा है अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, से है। इस परिभाषा के अनुसार धारणीय विकास ऐसा विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास में धारणीय विकास की परिभाषा: ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति में बिना समझौता किए पूरा करे। ये परिभाषा दो महत्वपूर्ण बातों पर बल देती है। प्रथम, प्राकृतिक संसाधन हम में से प्रत्येक के लिए, यहाँ तक कि आने वाली अजन्मी पीढ़ी के लिए भी अति आवश्यक है। द्वितीय, ये एक दीर्घकालीन अवधारणा है। ये संकीर्ण रूप से केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के आर्थिक विकास को भी ध्यान में रखती है। धारणीय विकास और आर्थिक विकास में अंतर। धारणीय विकास, फर्स्ट पॉइंट है, धारणीय विकास में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। सेकेंड, इसमें वर्तमान और भावी पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। फिर उसके बाद है आपका थर्ड, इसमें प्राकृतिक पूंजी का उचित प्रयोग होता है जिससे भावी पीढ़ियों के हितों की रक्षा होती है। फिर फोर्थ है, ये पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से बचाव पर विशेष बल देती है। फिर है आर्थिक विकास, इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है, इसमें वर्तमान पीढ़ियों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। फिर इसमें सेकेंड है, ये पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण को महत्व नहीं देती है। फिर थर्ड है, इसमें प्रति व्यक्ति आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। फोर्थ है, इसमें प्राकृतिक पूंजी का शोषण होता है। धारणीय विकास के लिए अनिवार्य शर्तें इसमें है, मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित करना। फिर है, प्रौद्योगिकी प्रगति आगत कुशल होना चाहिए, ना कि आगत का उपभोग करने वाली। नेक्स्ट है, नवीकरणीय संसाधनों की प्राप्ति धारणीय आधार पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, गैर नवीकरणीय संसाधनों के रिक्तिकरण की दर नवीकरणीय प्रतिस्थापन की समृद्धि की दर से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर लास्ट है, प्रदूषण से उत्पन्न अक्षमताओं का सुधार किया जाना चाहिए। फिर आता है धारणीय विकास की प्राप्ति के उपाय। पहला पॉइंट है, अधिक से अधिक ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग। बायोमास ईंधन के उपयोग के बजाय गैस का प्रयोग किया जाए। वन विनाश पर रोक लगाया जाए। अधिक से अधिक जलीय विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जाए। फिर नेक्स्ट है, पारंपरिक व्यवहारों का उपयोग ताकि पर्यावरण की अनुकूलता बनी रहे। और लास्ट है, कृषि के लिए जैविक कंपोस्ट का उपयोग और जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो बच्चों, आज हम धारणीय विकास या वहनीय आर्थिक विकास में इतना ही पढ़ाएंगे। कल हम वीडियो 2 में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी किताब में जो आपकी इकोनॉमिक्स की है, लेसन को पढ़िएगा। जितने पॉइंट्स हमने मेन नोट्स के रूप में बताए हैं उसको अंडरलाइन करिएगा।